हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 to 7 मार्क्स का इस चैप्टर में से आता है। पार्टनर्स, आज हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सबसे फर्स्ट देखते हैं कि डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है। डिसोल्यूशन का मतलब है खत्म करना, मतलब पार्टनरशिप फर्म को क्या कर देना, क्लोज कर देना। अब पार्टनरशिप फर्म कैसे क्लोज होगी, सभी की सभी एसेट्स को तो क्या कर दिया जाएगा, सेल। एसेट्स को सेल करने के बाद लायबिलिटी की क्या कर दी जाएगी, पेमेंट्स। अगर फिर कुछ पैसा बच जाता है लायबिलिटी की पेमेंट के बाद, तो क्या करेंगे पार्टनर्स, अपने अकाउंट को क्या कर लेंगे, सेटल्ड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेट दैट व्हेन अ पार्टनरशिप बिटवीन All the partners of a firm comes to end, it is called dissolution of a firm. क्या मतलब है, जब सभी पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप खत्म हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, dissolution of a firm. On dissolution of a firm, dissolution of firm में क्या होता है, सभी assets को तो क्या कर दिया जाता है, सेल। assets को सेल करने के बाद जो भी पैसा मिलता है उससे liability की क्या कर दी जाती है, payment. liability की payment करने के बाद जो भी पैसा बचता है out of remaining amount क्या करते हैं, अकाउंट ऑफ अ पार्टनर आर टू बी सेटल्ड। जो पार्टनर्स के अकाउंट्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है, सेटल। ये तो क्या था, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद तुम्हारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप में क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट। जो भी पार्टनर्स के बीच में ओल्ड एग्रीमेंट था उसको क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट। अब क्या डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के बीच में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तो क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में जो बिजनेस है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी तीन पार्टनर्स है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, अगर जो बी है वो क्या हो जाता है, रिटायर। बी के रिटायर होने के बाद कौन कौन से रिमेनिंग पार्टनर बच गए, ए और सी। अगर ए और सी अपने बिजनेस को क्या करते हैं, कंटिन्यू। अगर ये बिजनेस को कंटिन्यू करते रहेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन फर्म। बट अगर बी के रिटायर होने के बाद ए और सी भी अपना बिजनेस क्लोज कर देते हैं, मतलब पूरी की पूरी फर्म क्या हो गई, क्लोज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट टॉपिक है केसेस व्हेन अ पार्टनरशिप डिसॉल्व। कौन कौन से केस है जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाते हैं। सबसे फर्स्ट केस है इन अ केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाए तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व। नेक्स्ट इन अ केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब किसी भी पार्टनर का फर्म में एडमिशन होता है तो भी पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व। उसके बाद अगर रिटायरमेंट हो जाता है कोई भी पार्टनर, तो अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व। नेक्स्ट पॉइंट है इन अ केस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है, निकालना। अगर किसी भी पार्टनर्स को फर्म में से निकाल दिया जाए तो भी पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व। इन अ केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व। लास्ट पॉइंट है इन अ केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ अ पार्टनरशिप। क्या मतलब है, जितने टाइम के लिए हमने फर्म बनाई थी अगर वो पीरियड एक्सपायर हो जाता है तब भी पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। अब आपने दोनों का मीनिंग तो देख ही लिया कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप क्या होती है और डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म क्या होती है। अब हम देखते हैं कि दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। इट रेफर टू चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, सिर्फ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में चेंज होता है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के केस में क्या होता है, क्लोजर ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस को ही क्लोज कर दिया जाता है। द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में क्या है, जो फर्म है वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करती है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में बिजनेस क्या है, क्लोज्ड हो जाता है। उसके बाद है पार्टनरशिप इज डिसॉल्व ऑन एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप किस किस केस में डिसॉल्व होते हैं, जब कोई भी पार्टनर फर्म में एडमिट करता है, कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो क्या डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म कब होता है, जब When all our partners agree or all our partners become insolvent। जब सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या सभी पार्टनर्स क्या हो, एग्री हो। बुक्स ऑफ अकाउंट नीड नॉट टू बी क्लोज। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जो फर्म का बिजनेस है वो तो कंटिन्यू चलेगा, जबकि
डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर दिया जाता है, क्लोज, क्योंकि फर्म का बिजनेस ही क्लोज हो गया तो अकाउंट्स को भी क्या करना पड़ेगा, क्लोज। इन दिस केस ऑल द लाइबिलिटी आर नॉट बीन पेड, सारी की सारी लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं की जाती, सभी लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं की जाती इन अ केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि जो फर्म है वो अपना बिजनेस अभी कंटिन्यू कर रही है। और इस केस में क्या होता है, सारी की सारी लाइबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ती है, क्यों, जब बिजनेस ही क्लोज हो गया तो लाइबिलिटी की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट सिंस द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व बाय म्यूचुअल कंसेंट। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कैसे हो जाता है, जब सभी के सभी पार्टनर एग्री हो जाए, उनका म्यूचुअल कंसेंट हो, तो हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। ए फर्म कैन डिसॉल्व विद और विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। और फर्म कैसे डिसॉल्व होते हैं, कोर्ट के इंटरफेयर से भी और कोर्ट के बिना इंटरफेयर से भी। अभी आपने क्या देखा डिफरेंस में, जो फर्म का डिसोल्यूशन था वो विद इंटरफेयर ऑफ कोर्ट भी हो सकता है और विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ अ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, कि फर्म का डिसोल्यूशन कैसे होता है, डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट कोई भी इंटरफेयर ना करे और फर्म का क्या हो जाए, डिसोल्यूशन, या डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, जब कोर्ट ऑर्डर पास करते हैं कि फर्म को डिसॉल्व करना है तो क्या होता है, डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। फर्स्ट पॉइंट है डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, कैसे कैसे बिना कोर्ट के इंटरफेयर किए भी डिसोल्यूशन हो जाता है, डिसोल्यूशन बाय द एग्रीमेंट, जब सभी के सभी पार्टनर क्या हो जाए, एग्री कि हमने फर्म को कंटिन्यू नहीं करना, फर्म को क्या करना है, डिसॉल्व, तो वो क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट में क्या होता है, ऑल पार्टनर एग्री, मतलब सभी के सभी पार्टनर एग्री होते हैं कि हमने फर्म को क्या करना है, डिसॉल्व। नेक्स्ट है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन किस किस केस में होता है, जब सभी के सभी पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, या जो बिजनेस है वो क्या हो, अनलॉफुल, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है डिसोल्यूशन ऑन अ हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि फर्म को क्या करना पड़े, डिसोल्यूशन, वो सर्टेन इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट, किसी पार्टनर की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, या जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, या एक्सपायर हो जाए, जितने मतलब एक्सपायरी पीरियड खत्म हो जाए, जितने टाइम पीरियड के लिए हमने फॉर्म बनाई थी वो हमारा टाइम पीरियड खत्म हो गया। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, डिसोल्यूशन बाय नोटिस का क्या मतलब है, जब कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को रिटर्न में नोटिस दे दे कि हम फॉर्म को कंटिन्यू नहीं करते, हम फॉर्म को क्या कर देते हैं, डिसॉल्व, तो डिसोल्यूशन बाय नोटिस में क्या है, जब कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को रिटर्न में नोटिस दे देता है तो क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। ये तो क्या था, डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, इसमें कौन कौन से पॉइंट थे, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑन अ हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, या डिसोल्यूशन बाय नोटिस। नेक्स्ट टॉपिक है डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट कब ऑर्डर पास करती है कि फर्म को क्या कर दो, डिसॉल्व, व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, जब कोर्ट ये देखती है कि जो पार्टनर है वो कौन सा है, अनसाउंड माइंड का है, मतलब वो अपने बिजनेस को नहीं चला सकता, तो फर्म कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर पास कर देते हैं कि फर्म को क्या कर दो, डिसॉल्व, व्हेन पार्टनर बिकम परमानेंटली डिसेबल्ड टू रन अ बिजनेस, जब पार्टनर क्या है, डिसेबल्ड, मतलब वो अपने बिजनेस को नहीं चला सकता, तो कोर्ट ऑर्डर पास कर देते हैं कि फॉर्म को क्या कर दो, डिसॉल्व। ऑन मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर अफेक्टिंग द बिजनेस, कोई भी पार्टनर सही से बिहेव नहीं करता जिससे बिजनेस को इफेक्ट होता है, तब भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। ऑन वर्किंग ऑफ अ बिजनेस इज कंटिन्यूड लॉस, कंटिन्यूज लॉस, अगर जो फॉर्म का बिजनेस है वो कंटिन्यूज लॉस में जा रहा है तो फॉर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। ऑन ट्रांसफर होल ऑफ आ इंटरेस्ट टू थर्ड पार्टी, जब पूरा का पूरा बिजनेस ही किसको ट्रांसफर कर दिया, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो जाएगी, फर्म डिसॉल्व। व्हेन कोर्ट इज सेटिस्फाइड द डिसोल्यूशन इज जस्ट एंड इक्विटेबल ड्यू टू अदर रीजन, या कोई ऐसा रीजन हो जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि फर्म को कंटिन्यू नहीं करना, फर्म को क्या करना है, डिसॉल्व, तो फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व। ये था डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट।